हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां लंबे समय से हमारे जो शिक्षक भाई बहन अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण, जी हां दोस्तों, इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूचुअल ट्रांसफ़र दोनों का जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनका इंतज़ार दोस्तों ख़त्म होने को आ गया है। तकनीकी अड़चन जो मौजूद थी उसे दूर कर लिया गया है। अब एक विधिक रूप से 3 नवंबर को कोर्ट का आदेश जो सुरक्षित था उसे प्रकाशित होना है, रिवील होना है। गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयार है अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए। जी हाँ दोस्तों, कतिपय जनपदों में टेक्निकल प्रॉब्लम था, वहाँ पे जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उन्होंने कुछ कैंडिडेट का जो फाइनली लॉक सिस्टम होता है वो नहीं कर पाए थे। तमाम जनपद ऐसे भी थे जहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स थी, समयाभाव की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाई थी। अब टेक्निकली सारी चीज़ें दुरुस्त कर ली गई हैं और एक नया मौका मिला है, 2 नवंबर से शुरू हो जाएगा। आप मान के चलो 3 नवंबर को जो ऑर्डर है उसके रिवील होने के बाद, चूँकि प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया पूरी तरीके से चल रही है और प्रक्रिया अपने अंतिम पायदान पे है। तमाम हमारे शिक्षक साथी ये कहते हैं कि लंबे समय से ये चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी संख्या में शिक्षकों का इधर से उधर, एक जनपद से दूसरे जनपदों में तबादला होना है, वेबसाइट के माध्यम से सारी चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं रहती हैं। अब उन तकनीकी समस्याओं को पूरी तरीके से रिजॉल्व कर लिया गया है और एक अंतिम मौका आप सभी को मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, आते हैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट से आपको रूबरू कराते हैं। परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले में दूर हुई तकनीकी अड़चन, कल से शुरू होगी प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, कल यानी 2 नवंबर से प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-20 में किए जाने वाले अंतर जनपदीय स्थानांतरण, पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण में आ रही तकनीकी अड़चन दूर कर ली गई है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण रजिस्ट्रेशन को लॉक करने की प्रक्रिया 2 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। इस बाबत सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारियों को गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि हाथरस, प्रयागराज, मिर्जापुर, देवरिया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अवगत कराया था कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण / पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण डाटा लॉक नहीं किया गया है। दोस्तों, ये डाटा लॉक के अलावा भी कतिपय जनपदों में कुछ समस्याएं अपनी शिक्षकों की रही हैं, तो वो तकनीकी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए एक बार अंतिम मौका दिया जा रहा है। डाटा लॉक ना किए जाने की दशा में आगे की कार्रवाई किए जाने में तकनीकी दिक्कत आएगी। इसी के मद्देनज़र सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सभी BSS को पत्र जारी कर डाटा लॉक करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 2 एवं 3 नवंबर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्रों को OTP के माध्यम से लॉक किया जाएगा। 2 से 10 नवंबर तक पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण में अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से पूर्ण किया जाएगा। वहीं 11 से 13 नवंबर तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्रों को OTP के माध्यम से लॉक किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं प्रयागराज से। यही कि बेसिक शिक्षा परिषद के 50,000 से अधिक शिक्षकों का अंतर जिला तबादला अब दीपावली के बाद ही होगा। जी हाँ दोस्तों, 50,000 से अधिक शिक्षकों का तबादला होना है। तकनीकी विसंगतियां हैं, विधिक रूप से भी अड़चन आई है, लेकिन वो विधिक रूप से अड़चन 3 तारीख को जो ऑर्डर आएगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने तबादले की नई समय सारणी जारी कर दी है, लेकिन उसमें तबादला करने की तारीख का जिक्र नहीं है। अक्टूबर माह में तीसरी बार तबादला आदेश करने की तारीख बदली गई है। ज्ञात हो कि पहले 15 फिर 22 अक्टूबर को तारीखें तय हुई थी, अब नई समय सारणी जारी होने से इंतजार सभी का बढ़ता जा रहा है, लेकिन इंतजार में आशा हमें नहीं त्यागनी है। बात करते हैं बेसिक शिक्षा की। अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुका कुमार ने
2 दिसंबर 2019 को तबादला नीति जारी किया था। 20 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए गए कुल 1,00,000, जी हाँ दोस्तों, कुल 1,04,317 ने पंजीकरण कराया, जबकि 70,838 ने अंतिम रूप से आवेदन किया था। परिषद ने जिलों में रिक्त पदों की सूची जारी की, जिसमें प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर के 453 और सहायक अध्यापक के 28,268, उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी अपर प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर के 816 व सहायक अध्यापक के 14,379 सहित 43,916 पद खाली थे। परिषद के स्कूलों में खाली पद करीब 44,000 हैं और 54,000 की तबादलों की अनुमति ले ली गई है, जबकि शिक्षकों के पारस्परिक तबादलों में रिक्त पदों की बाध्यता नहीं है। दोनों प्रक्रिया एक साथ चल रही है और आदेश भी साथ आने के आसार हैं। इसी बीच हाईकोर्ट ने याचिका संख्या 878/2020 दिव्या गोस्वामी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में 15 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए निर्णय सुरक्षित किया है। 3 नवंबर को निर्णय आने की उम्मीद है। कोर्ट का निर्देश है कि इस दौरान स्थानांतरण की प्रक्रिया चलती रहेगी, किंतु स्थानांतरण को अंतिम रूप हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही दिया जाएगा। दोस्तों कोर्ट ने स्वयं कहा है कि प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट के बाद ही कुछ होना है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने भी प्रक्रिया पे रोक नहीं लगाई है। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि प्रदेश के हाथरस, प्रयागराज, मिर्जापुर व देवरिया में डाटा लॉक नहीं किया जा सका है। तो दोस्तों ये समस्या, टेक्निकल जो इश्यू था उसे रिजॉल्व कर लिया गया है। लीगल जो इश्यू है 3 नवंबर के बाद पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप अपनी पूरी तैयारी रखते रहिए, बी ऑप्टिमिस्टिक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।